मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चॉकलेट देने के बहाने से 2 साल के बच्चे को किया किडनैप, पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बच्चे को माँ बाप को भी सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि भिवंडी शहर के कामतघर इलाके के हनुमान नगर में रहने वाली सुंदरी राम गोपाल का 2 साल का बेटा 26 दिसंबर 2022 को घर के बाहर खेल रहा था और माँ घर में कपड़े धो रही थी, तभी एक अनजान शख्स ने चॉकलेट देने का लालच देकर इस बच्चे को किडनैप कर लिया था। बच्चे को किडनैप करने वाले शख्स की तस्वीरें शहर में कई जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। पुलिस तभी से इस बच्चे की तलाश कर रही थी। शहर में बच्चे के पोस्टर भी लगवाया गया था और आखिरकार इस बच्चे के बारे में भिवंडी शहर पुलिस को गुप्त जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को 26 जनवरी 2023 को किडनैप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके चंगुल से बच्चे को भी सही सलामत बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 1 जेंट्स और 2 लेडीज हैं। DCP नवनाथ ढवले ने बताया है कि किडनैप करने वाले शख्स ने बच्चे को 1,05,000 रुपये में बेच दिया था और पहचान छिपाने के लिए बच्चे के बाल भी काट दिए गए थे ताकि इसकी पहचान ना हो पाए, मगर पुलिस ने इस 2 साल के बच्चे को बरामद कर सही सलामत माँ बाप को सौंप दिया है। इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने किस तरह से बच्चे को बरामद किया है, DCP नवनाथ ढवले ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुना दी। 26/12/2022 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के हद में एक 1.5 साल का बच्चे का मिसिंग केस दाखिल हुआ था। उसी के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में 363 का गुना दाखिल किया गया था और गुना दाखिल करने के बाद भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ECP और सभी डिटेक्शन के PSI रविंद्र पाटिल और उनकी सब टीम ने ऐसी तैयार की थी और उसमें से वहाँ के CCTV फुटेज और तांत्रिक विश्लेषण के तहत हमें एक सस्पेक्ट का फोटो मिला था। उसी के तहत हमारा तपास चालू था। उसी बीच हमारी जो पूरी टीम थी उन्होंने मालेगांव, ठाणे, मुंबई, नासिक, जहाँ जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो रिकॉर्ड के गुनहगार है उनको भी उनकी तरफ से भी तपास किया, लेकिन कुछ हमें इनपुट नहीं मिल रहा था। उसी बीच कल रात को हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा ऐसा जो सस्पेक्ट है या भिवंडी में एक जगह आया है, उसे कहते थे हमारी पुलिस टीम PSI रविंद्र पाटिल और उनकी टीम ने वहाँ पे रेड मारी और उनको अरेस्ट किया। नहीं, वो जहाँ पे रहता है वहीं से उनको लिया है, लेकिन वो क्या है, वो बाहर था और वो यहाँ पे भिवंडी में आया था, वो हमने छापा मारकर उनको पकड़ लिया है और उनको पकड़ने के बाद उन्होंने सब बताया है कि हमने बच्चे को कहाँ पे रखा है। तो वो सामने वाले जो महिला आरोपी है वो भारती और आशा साहू, उनके फिर घर में जाके वो बच्चा भी मिला है और उसी के आप सबके सामने हमने जो बच्चा है 1.5 साल का उनको उनके माँ बाप के सौंप दिया है। 1,05,000 में वो बच्चा बेचा गया था, ऐसा उन्होंने अभी तक के इंट्रोगेशन में बताया है। और जो महिला आरोपी है उन्होंने ये भी अब तक तपास में निष्पन्न हुआ है कि उन्होंने उनको हमने सभी जगह उनके पोस्टर लगाए थे ताकि किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिले तो पुलिस को तुरंत बताई जाए, लेकिन उन्होंने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके बाल भी कटवाए थे वो जो आरोपी थी, ताकि वो किसी आजू बाजू के लोग वो जहाँ पे रहती थी वो पहचान नहीं सके वो बच्चे को, इसलिए उनकी आइडेंटिटी पूरे बाल छोटे कर दिए थे, उनके कपड़े भी नहीं, वो आगे की जो कानूनन कार्रवाई है वो हो जाएगी। सर, उसी बच्चे को टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पर कई बच्चे खेल रहे थे, उसी बच्चे को टारगेट क्यों किया गया? नहीं, वही तो हम अभी प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी रात को ही उनको इन्वेस्टिगेट किया है। आपका जो सवाल है उसी के तहत आगे भी जांच होगी कि एक्चुअली उसी बच्चे को क्यों टारगेट किया।